मूक बधिर छात्रा अंजलि यादव की सुसाइड पर मचा बवाल। टीचर पर लगे बेहद गंभीर आरोप। ये तस्वीरें लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय से आई हैं। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एक मूक बधिर छात्रा के सुसाइड करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कई दिन से यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में 3 सितंबर को शाम 7:45 पर बीएड स्पेशल एजुकेशन की छात्रा अंजलि यादव का शव पंखे से लटका मिला था। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने सुसाइड कर ली थी। वहीं यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के ही अर्जुन नाम के टीचर की प्रताड़ना की वजह से तंग आकर अंजलि ने अपनी जान दे दी। छात्रों का आरोप है कि मूक बधिर अंजलि को आरोपी टीचर जानबूझकर लगातार फेल कर रहा था। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संगठन आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी टीचर के खिलाफ न ही केस दर्ज किया गया है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर ही तोड़फोड़ और हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर केस दर्ज कर लिया है। टाइम्स नेटवर्क की खबर के मुताबिक पुलिस ने 150 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कैंपस के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारी टीम से बातचीत में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शिक्षकों और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि ज्यादातर शिक्षक स्पेशली एबल छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनका मनोबल तोड़ते हैं। छात्रों ने हमें बताया कि अक्सर शिक्षक विकलांग छात्रों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अंजलि ने आत्महत्या उस विनय पर की जब उसकी बैक आई, उसने एप्लीकेशन लिखा और लेकर जाकर के HOD को दिया। HOD ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे मदद देने से इनकार कर दिया और उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि ना पढ़ती हो ना लिखती हो और फिर यहाँ जब बैक लगती है तो रोने आ जाती हो। इस तरह से उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई और उस मानसिक प्रताड़ना को वो सहन नहीं कर पाई और आकर के सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगेन जब भी कभी मिलती थी एग्जाम के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। हम उससे पूछते थे कि सभी लोग आके जो है साथ में पढ़ें, समझें, कुछ बात करें, कोई समस्या हो तो बोले बताए, बट क्या है वो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। हमेशा मरने की बात कभी कहती, अगर हम इसमें ऐसा नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो हमने इसको समझाया, काफ़ी लड़कियों ने उसको बुलाया कि यार डेफ के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे आसान होंगी, तुम विश्वास रखो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी होगी और एग्ज़ाम भी आसान पूर्वक बनाया जाएगा, तुम्हें भी आसानी से पढ़ने को मिलेगा, तो इससे कि तुम फेल नहीं होगी, विश्वास रखो। तो हम उसको विश्वास दिलाते थे एक्सेसिबिलिटी एक ना एक दिन होगी, क्लास में आसान पूर्वक माहौल होगा, आसानी से पढ़ाया जाएगा, तुम्हें भी चीज़ों को मतलब बता के पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कि खाली लिख के पेपर पकड़ा दिया और बोल दिया जाओ पढ़े आओ घर से। तो यही सब चीज़ें हैं कि डेफ का फोकस है ही नहीं, ना ही कोई एक्सेसिबिलिटी उनके बारे में सोचा जाता है, ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाए, कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसका मतलब बताया ही नहीं जाता है, बस थोपा जाता है। खाली बस यही है कि इनका क्या है कि इनके तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है। एक लड़की के ऊपर रुखसाना जहाँ के ऊपर बस चढ़ा दी गई, ठीक है, बस आज भी खड़ी है, उसके ऊपर केस हुआ, वो गिरफ्तारी नहीं हुई, मुआवजे की बात हुई, मुआवजा पूरा नहीं दिया गया। उसके बाद अभी एक लड़की घर गई, घर जाके सुसाइड किया एक लड़की ने, अभी कल रात में एक लड़की ने सुसाइड किया, लेकिन प्रशासन आएगा, ठीक है हम आप पे कार्रवाई करेंगे, हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन
अगर लड़की उनके पास अपनी क्वेश्चन लेके जाएगी मेरा बैग क्लियर, उसके साथ अभद्रता करी जाएगी पूरा प्रशासन द्वारा, और उस मूक बधिर के साथ किस तरह से आपको पेश आना चाहिए, इनको कोई तमीज नहीं है। यहाँ इतने भी टीचर है, कोई भी समस्या होती है जो हम लोग जाते भी है तो वहाँ टीचर हमेशा उल्टा ही बात करके हम लोग को भगा देते हैं कि आज नहीं कल आना, कल नहीं आना तो परसों आना। सरकारी दफ्तर से भी बड़ा ये दफ्तर हो चुका है, यहाँ पे कोई काम करना सुना था विश्वविद्यालय का हाल वही हो गया है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन जब भी आप कोई मतलब स्पेशल डिसेबल छात्र जाती है तो कहते हैं चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता है और ये नेतागिरी करने चले जाते हैं। अच्छा ये भी बात, ये टीचरों के शब्द होते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बोला जाता है रात में बता रहे, अरे बीमार बता के आता है कि कब आ रहे हैं हम कब नहीं। यहाँ पे पहली बार टीचर बोलते हैं बच्चों को कि तुम मूंगफली बेचोगे, तुम ये करोगे, बच्चे और टीचर से बात करने की कैसी, बच्चे अपने यहाँ वहाँ दौड़ाएंगे। और फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं कि बच्चे कुछ लिख के नहीं आएंगे, अरे तुम 6 महीने के कोर्स 2 महीने में कंप्लीट करोगे तो कैसा होगे। टीचर पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपी टीचर अर्जुन की गिरफ्तारी कब होगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक दलित बहुजनों के बच्चे कैंपस में चल रही जनेऊ लीला का शिकार होते रहेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।